16.8 का एक कोरवॉस अपडेट हमारे पोको के X2 डिवाइस के लिए आ चुका है और धीरे धीरे सभी डिवाइस के लिए रोल्ड आउट हो रहा है। और इस बार काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी कुछ नया एनिमेशन फील्स और लुक देखने को मिलता है। साथ साथ परफॉर्मेंस कैसा है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करिए और मे बी ये आपका एक गेमिंग रोम बन सकता है, क्योंकि एक गेमिंग रोम के नाम से ही पॉपुलर है। और इसके पहले मैंने पिक्सल प्लस UI का प्रोवाइड किया है रिव्यू, जिसमें हमें नो CPU टोटल देखने को मिलता है और अभी तक वो पब्लिश नहीं हुआ है, तो अनलिस्टेड है। तो आप मेरे कम्युनिटी टैब को एक बार चेकआउट कर ले, आपको उसका रिव्यू मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब भी जरूर करें। एंड्रॉयड वर्जन में आपको दिखाई देता है इसका जो वर्जन है वह है 16.8 ऑफिशियल अपडेट, जो कि एंड्रॉयड 11 के सपोर्ट के साथ आता है। और ये डिवाइस का कोड नेम हमें फोनिक्स देखने को मिलता है। यहाँ पे आप मेंटेनर का नेम देख सकते हो, अगस्त 5 का सिक्योरिटी पैच यूज किया गया है, रेड क्लिफ का कर्नल यूज किया गया है और सिलिनक्स आपको इन्फोर्सिंग देखने को मिलता है। बिल्ड डेट आपको 18 का देखने को मिल जाता है, जो कि सबसे लेटेस्ट अपडेट है अभी के लिए। सिस्टम के अंदर डेवलपर का ऑप्शन हर बार की तरह आपको पहले से ऑन देखने को मिलेगा। यहाँ पे वही सारे कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे आप देख पा रहे हो किस तरीके से आपको लुक दिखाई देता है। यहाँ पे अगर हम आते हैं रिसेंट पे और आइकन पे टैप करें, तो आपको यहाँ पे स्प्लिट और इन्फो भी देखने को मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो कि आपने अलग से थर्ड पार्टी डाउनलोड कर रखा है, उसके ऊपर अगर आप टैप करते हो तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि अनइंस्टॉल का है, जो कि आई थिंक इस बार पहले नहीं था, इस बार ऐड कर दिया गया है। तो नया आपको लुक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ऑप्शन का। बाकी स्क्रीनशॉट क्लियर ऑल और यहाँ पे किल ऐप का भी ऑप्शन दिखाई देता है। बैक आने पे आपको मिल जाता है यहाँ पे फिंगरप्रिंट का सपोर्ट, और फिंगरप्रिंट पे अगर हम इन करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है प्रेस टू अनलॉक, यानी अगर आप इसे ऑन करते हो तो फिंगरप्रिंट प्रेस होने के बाद भी अनलॉक नहीं होता है, आपको प्रेस करना पड़ेगा, यानी टच पे अनलॉक नहीं होता। जैसा कि हमें MIUI के अंदर ऑप्शन देखने को मिलता था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपको ये दिखाई देता है। और वर्किंग है काफ़ी अच्छे तरीके से, तो मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं लगा है, तो आप इसका फुल बेनिफिट यहाँ पे जो ले सकते हो। और फेस अनलॉकिंग भी आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिलता है, तो ये चीज़ आपको काफ़ी सही लगेगा। अगर हम आते हैं एप्स लॉक के अंदर, तो यहाँ पे आप देखोगे जो भी एप्स लॉक मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे अलग सा लेआउट दिखाई देता है, बट अभी सेटिंग को मैंने कस्टमाइज किया है, जिसकी वजह से लेआउट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो चुका है, बट अलग कैटेगरी में बदल देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगा। और सेटिंग का कलर भी आप देख पा रहे हो हर बार जो डिफरेंट देखने को मिल रहा है, तो अब आपको नया सेटिंग का लेआउट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। और चेंज लॉक की बात करें तो काफ़ी कुछ यहाँ पे ऐड किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सबसे पहले टॉप पे आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट दिखाई देता है, यहाँ पे जो कुछ स्टाइल्स वगैरह को चेंज कर दिए गए हैं, और वॉल्यूम पैनल वगैरह भी बदल दिया गया है, क्लॉक स्टाइल भी बदला गया है, बैकग्राउंड स्टाइल्स को भी बदल दिया गया है, और कुछ सपोर्ट्स वगैरह भी इम्प्रूव किए गए हैं, और कई सारी चीज़ों को अपडेट भी किया गया है। और यहाँ पे हेडर इमेज साइज वगैरह, क्लॉक फॉर्मेट वगैरह को अपडेट किया गया है, और ऑफलाइन चार्जिंग एंड्रॉयड 12 वाला ऐड कर दिया गया है, फोर्ड का भी ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, और बाकी यहाँ पे शैडो और बैटरी पैनल वगैरह भी इम्प्रूव किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो तो क्लॉक के ऑप्शन दिए गए हैं। कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम थे, जैसे कि रीट्रैकर काम नहीं कर रहा था, किलेप्स काम नहीं कर रहा था, सिस्टम UI समटाइम फोर्स क्लोज शो कर रहा था, उसे फिक्स किया गया है। तो कई सारी चीज़ों को यहाँ पे फिक्स किया गया है, और कई सारी चीज़ें ऐड भी की गई है, जैसा कि मैंने अभी 2-3 ऑप्शन आपको शो किया है। और यहाँ पे हमारा जो Mi 11X है और OnePlus 9R, इसका भी सपोर्ट ऐड हो चुका है। तो Mi 11X का यूजर हूँ मैं, अगर उसका अपडेट आता है तो मैं वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा, बट अभी तक इसके लिए अपडेट आया नहीं है। बाकी साउंड के प्रोफाइल के अंदर आपको वही MI साउंड इफेक्ट्स वगैरह देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छे से आपको वर्किंग दिखाई देता है। यहाँ पे इनेबल ब्लर्स वगैरह देखने को मिलता है, टैप टू बैकअप, और वही सारे नॉर्मल कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे बैटरी का और डिस्प्ले का वगैरह का भी रखा गया है, और आप कैमरे को साथ में ऐड कर सकते हो या फिर अलग भी कर सकते हो। लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको ऑलवेज ऑन वगैरह के ऑप्शन मिल जाएंगे, और वही छोटे मोटे जो कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देता है। बैटरी का कोई बात करें तो आपको देख सकते हो लेआउट किस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे है जो आप देख सकते हो 17 आवर्स पहले से फ्लैश किया गया था, 2 आवर्स के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइमिंग वगैरह है, और यहाँ पे मैंने गेमिंग भी किया है ताकि मैं आपको गेमिंग का डिटेल शो कर दूंगा। आगे आते इसके कस्टमाइजेशन के ऊपर, तो आप देखोगे यहाँ पे स्टाइल तो चेंज हो ही रहा है, बाकी इस पर मैं टैप करूँगा तो अलग से आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है, जो कि पहले हमें देखने को नहीं मिलता था। तो यहाँ पे नया लुक ऐड किया गया, जो कि काफ़ी सही है। थीम के अंदर वही सारे आपको करीब करीब ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमें पहले भी मिलता था। यहाँ पे ऑप्शन आते हैं तो मिसलिनियस के अंदर आपको मिल जाता है यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन, जिसमें कुछ नए ऑप्शन ऐड कर दिए गए हैं, तो जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, उसका आपको सेटिंग का नया लुक देखने को मिल जाएगा, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। तो जो भी पसंद आए वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और आप देख सकते हो किस तरीके से लास्ट एनिमेशन हमें देखने को मिल जाता है, तो ये भी यहाँ पे मुझे सही लगा है, जो कि एक अलग सा लुक देता है इस OS को।
बाकी आते हैं आगे की ओर, तो जेस्चर्स के अंदर वही आपको डबल टैप वगैरह देखने को मिल जाएगा, नोटिफिकेशन के अंदर वही सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो कि ये बगी था, तो अब यहाँ पे है जो फिक्स कर दिया गया है। लॉक स्क्रीन पे फिंगरप्रिंट के वही ऑथेंटिकेशन वगैरह आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे मीडिया कवर्ड आर्ट वगैरह के ऑप्शन और बाकी अदर एनिमेशंस वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। ट्रैफिक इंडक्टर में भी सब कुछ पहले जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। क्यूए सेटिंग के अंदर भी करीब करीब वही चीज़ें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको वेदर का ऑप्शन दिखाई देता है और कस्टम हेडर वगैरह भी आप सेट कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे अभी मैंने सेट कर रखा है। तो इसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह किया गया है और क्लॉक फॉर्मेट वगैरह भी इंप्रूव किया गया है। साथ साथ यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि किस तरीके से आपको जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है वाईफाई नेटवर्क वोल्टी आइकन बैटरी और के बीच में, जो कि काफ़ी सही दिखाई देता है। और यहाँ पे आपको 29 लिखा हुआ मिलता है, और इस तरीके से आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का हिस्ट्री दिखाई देगा जो कि देखने में काफ़ी सही लगता है। तो इसके अंदर भी इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देता है। क्यूएस टिंट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, और बाकी वही कॉमन लेआउट वगैरह चेंज करना, क्लॉक का लेआउट आपको यहाँ पे मिल जाता है, बैटरी का कस्टमाइजेशन सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पावर मेनू वगैरह देखने को मिलता है, जिसमें आप वही सारे कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हो, और बटन के अंदर भी वही आपको देखने को मिलता है। बट वॉल्यूम पैनल पे आते हैं तो इसका जो डिफॉल्ट था इसका भी लेआउट बदला गया है। तो आप देखोगे कि डिफॉल्ट का जो वॉल्यूम लेआउट है ये बिल्कुल चेंज है, जो कि पहले हमें डिफरेंट देखने को मिलता था। बाकी यहाँ पे एक दो ऑप्शन और भी आपको दिखाई देते हैं जो कि आप चाहो तो यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको लुक दिखाई देगा, तो जो चाहिए वो आप यूज करो। साथ साथ यहाँ पे आपको दिखाई देता है हमारा ANX कैमरा, जो कि MIUI वाला लुक प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आने वाला। और प्रो वीडियो मोड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि हमें देखने को नहीं मिलता था ऑफिशियल वाले रोम के ऊपर। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में जो यूज कर रहा हूँ ये वनीला लेआउट है, जिसकी वजह से आपको हाई डेप्थ वगैरह देखने को मिलता है और एफ लॉक भी देखने को मिल जाएगा। और वनीला होने की वजह से आपको यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग के सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जबकि आप GF वाला अपडेट यूज करोगे तो वहाँ पे वर्किंग दिखाई नहीं देता। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग यूज करते हो तो। और वनीला वाले के अंदर आपको परफॉर्मेंस थोड़ा ज़्यादा बेटर दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे गूगल के एप्स बहुत कम रहते हैं, तो आप अपने मर्जी के साथ सबसे लाइटर वर्जन यूज कर सकते हो GF का, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा। रही बात परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है, तो सबसे पहले आपको एक छोटी सी निराशा होगी, वो है चार्जिंग को लेके, क्योंकि चार्जिंग मुझे यहाँ पे फुल्ली सपोर्टेबल दिखाई नहीं दिया, थोड़ा स्लो चार्जिंग देखने को मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद यहाँ पे Antutu का रिजल्ट काफ़ी अच्छा खासा है, काफ़ी एक्यूरेट है, इसमें कोई कमी नहीं है। और CPU टोटल जो कि 94 का देखने को मिला 15 मिनट तक रन करने के बाद, जिसमें आप मैक्सिमम और मिनिमम देख सकते हो। उसके बाद ये है स्टैंड बाय बैटरी ड्रॉप, जो कि 74 पे मैंने लेफ्ट किया था, और जब मैं मॉर्निंग पे चेक करता हूँ तो ये 72 चला जाता है। तो ओनली ऑन फुल नाइट में 2% का बैटरी है, तो काफ़ी अच्छा है, तो ड्रेन यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। फिर से मैंने इसे दोबारा रीचेक किया है तो फिर से 94 का है रिजल्ट देखने को मिला, यानी कॉन्स्टेंट रिजल्ट रहता है, ऐसा नहीं कि बार बार चेंज हो रहा है या कुछ हो रहा है। और यहाँ पे मैंने BGMI को भी प्ले किया है, और FPS वगैरह आप देख पाओगे यहाँ पे कितना शो कर रहा है, तो BGMI काफ़ी अच्छा देखने को मिला। और सेम यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स देखने को मिला था पिक्सल प्लस UI 3.8 के ऊपर, जिसका अभी तक मैंने रिव्यू दिया है लेकिन अनलिस्टेड है, और लिंक शेयर है टेलीग्राम और मेरे यूट्यूब के कम्युनिटी के ऊपर, तो वहाँ से आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो और डिसाइड कर पाओगे, क्योंकि नो CPU टोटल और ANX कैमरा वगैरह वहाँ पे भी था, और यहाँ पे भी सेम चीज़ें देखने को मिलता है, बट टोटल थोड़ा सा है, लेकिन गेमिंग मुझे काफ़ी हद तक सिमिलर लगा दोनों के अंदर। यहाँ पे आपको इस रूम के ऊपर L1 का सपोर्ट भी मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला, और डिवाइस सर्टिफाइड आपका रहेगा, चाहे आप वनीला यूज करो या फिर GF वाला अपडेट यूज करो, नो इशू। और यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल और मल्टी कोर का रिजल्ट किस तरीके से निकल के आता है, जो कि ये भी काफ़ी ज़रा परफेक्ट है। और ये अगर आपको वॉलपेपर चाहिए तो लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैंने काफ़ी टाइम पहले ही शेयर कर दिया था। और जो कुछ भी मैं यूज करता हूँ सिर्फ उसी को मैंने इंस्टॉल कर रखा है, जिसकी वजह से ऐप्स यहाँ पे काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जितना लाइटर रहेगा वैसे उतना अच्छा आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, बैटरी बैकअप और रैम मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, जो कि आपके गेमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परफेक्ट होने वाला है। तो वनीला का मेथड आपको पता ही है और GF वाला भी मेथड पता ही है, फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप मेरे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे इंस्टॉलेशन गाइड आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप सो गाइज कि यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स का यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, प्लीज़ शेयर जरूर करें।